Welcome to the talk of the town, Metatalks of Metamorphosis, a fruitful result of collective effort from Gopal Narayan Singh University and Narayan Medical College and Hospital. On this journey of metamorphosis, all of us are together to grow, to learn, and to develop a strong bonding among the medical fraternity. And Metatalks is one such stage. Guru Govind Do Khade, Kake Lago Pai, Balihari Guru Aapne, गोविंद दियो बताए। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि हमारे अगले अतिथि इस देश के सबसे मशहूर शिक्षक है। शिक्षा के क्षेत्र में अपने पढ़ाने के बिल्कुल नए अंदाज और नजरिए से इन्होंने एक क्रांति लाई है। इन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि धन के अभाव के कारण कोई भी इच्छुक विद्यार्थी शिक्षा से वंचित ना रह जाए। So please give a big round of applause for the founder of Khan GS Research Center, Khan sir. हेलो चेक। हेलो कैसे हैं आप लोग? हमको जब पटना से आना हुआ यहाँ के लिए, तो रास्ते में आपको पता ही है, ये चूंकि पहाड़ी एरिया भी आ जाता है, और ऐसे हमें लगा था कि इतना पटना से, चूंकि पटना एजुकेशन का बिहार में तो आप कहिए कि हब है, और आने के क्रम में हमें लगा कि यहाँ कैसा, मतलब यूनिवर्सिटी होगा, कैसे लड़के होंगे, लेकिन कैंपस में आने के बाद पूरा तरह से मेरा एक कंसेप्ट ही चेंज हो गया। आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है। देखिए, यहाँ पे जितने स्टूडेंट आप लोग पढ़ रहे हैं, आप सब लोग से एक चीज कहता है, कोई भी शिक्षण संस्थान हो गई, चाहे कोई यूनिवर्सिटी हो गया या कोई भी चीज, वो आगे बढ़ता है, वो नाम होता है तो अपने स्टूडेंट्स के दम पर, चाहे वो आईआईटी हो, आईएम हो या एम्स हो, कोई भी संस्था। इसलिए आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है जब आप यहाँ आते हैं, तो आपको अपने आप को तो सक्सेस करना ही है, साथ में जिस संस्था ने आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना ये सब चीज आपको दिया, एक उसकी भी जिम्मेदारी आपके ऊपर बढ़ जाती है, ताकि आप सिंसियर होकर पढ़ाई करिए। आजकल के स्टूडेंट के लिए क्या है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गया आजकल के लड़कों में। पहले गांधी जी के 3 बंदर बड़े फेमस थे, हाँ, एक आंख बंद किया था, एक मुंह बंद किया था, एक कान बंद किया था। आजकल एक चौथा आया है, मोबाइल लेके बैठा हुआ है और दिन भर लेके बैठा हुआ है मोबाइल, उसको आंख कान नाक सब खुला है, लेकिन उसको कोई मतलब नहीं है। तो अपने आप को थोड़ा इस सब डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर रखिएगा। जीवन में याद रखिएगा, रेस इतनी रखिए जिंदगी की रफ्तार, ऐसे 1 साल की कड़ी मेहनत आपको बाकी समाज से 5 साल आगे लेके चला जाएगा, लेकिन यही 1 साल में अगर आपने मेहनत नहीं किया तो इतने पीछे जाएंगे कि रेस में फिर कभी आप आगे नहीं आ पाएंगे। तो ये जीवन बड़ा अनमोल होता है, विद्यार्थी जीवन ऐसा जीवन है तो ये जो आपको बाकियों से अलग कर देता है। इस उम्र में अगर आप समय को गंवाते हैं तो आप कहिए कि आप अमृत से अपना पांव धुल रहे हैं। और आप लोग उन खुशनसीब में है जिनके माँ बाप इतने सक्षम है जो यहाँ पढ़ने के लिए भेजे, वरना आप उनसे पूछिए जिनके माँ बाप नहीं पढ़ा पाते हैं। और आज के वक्त में शिक्षा इतनी जरूरी हो गई है, जैसे जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरत हो ना, एजुकेशन की जरूरत उस तरह से होने लगी है। और कई लोगों को मुझसे कि पढ़ लिख के कोई राजा हुआ है, ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहिएगा।
आप एक गौर कीजिएगा अपने समाज में, वो जो आप कभी घर बनाने वाले देखिएगा उसमें एक मिस्त्री होते हैं, नॉर्मल हर जगह मिलेंगे, और एक उसको हेल्प करने के लिए लेबर, आप देखेंगे उस बेचारे लेबर को जोड़ेगा, मसाला देगा, सीमेंट देगा, ईटा ले आएगा, बड़ा मेहनत करता है, 5 साल 6 साल तक वो क्या करता है, मेहनत करते रहता है। लेकिन अगर उसी जगह पर किसी कारणवश किसी पढ़े लिखे आप में से, जैसे कोई भी व्यक्ति हो, अगर किसी विकट परिस्थिति आ गई, अगर वहां जाता है ना, तो शिक्षा में क्या ताकत होती है। अगर आप उसको लेबर के लिए रखिएगा ना, 6 महीना के अंदर अंदर मिस्त्री का काम सीख के मिस्त्री बन जाएगा, 1 साल बाद आपको पता चलेगा कॉन्ट्रेक्टर बन गया, कोई ठीक नहीं है, 10 साल बाद आपको बिल्डर बना हुआ मिलेगा। ये होती है एजुकेशन की ताकत। और लोग कहते हैं कि पढ़ लिख के कोई राजा हुआ है, तो शिक्षा बहुत जरूरी। लेकिन मेहनत आपको भी करना पड़ेगा। आप हवाई जहाज से सीखिए, अगर उड़ान भरनी है तो पहले जमीन पर दौड़ना पड़ेगा, और जब तक जमीन पर नहीं दौड़ेंगे ना, आप ऊंचाई तक नहीं जा सकते हैं। अपने आप को तपाइए, आप छोटे से छोटे चीजों से सीख सकते हैं। आजकल एजुकेशन का जो मतलब होता है, केवल आपको नौकरी देना नहीं होता, वो आपका सर्वांगीण विकास करता है। आप छोटा सा एग्जाम्पल दीजिए, गांव वगैरह में जो भुट्टा होता है, जिसको मेल बाल जिसको बोलते हैं, भुट्टा खाते हैं, वो कच्चा जो मिलता है वो एकदम सस्ता मिलता है, उसी को आग में भून देता है ना, तो उसे 3 गुना रेट बढ़ जाता है। तो जीवन में जब अपने आप को तपाइएगा ना, अपने आप को तकलीफ देके तपाइएगा, तो आगे जाके वैल्यू बढ़ जाएगी। और सोचेंगे आराम से रहें तो फिर ये दुनिया है, ये रेस चल रही है, यहाँ यहाँ चलने वालों को कोई नहीं, यहाँ तेज दौड़ना पड़ेगा, यहाँ पर रफ्तार में, और साथ साथ पढ़ाई के साथ संस्कार का भी होना जरूरी है। क्योंकि अभी आप लोग एजुकेशन फील्ड में जा रहे हैं तो बुलंदियों के रास्ते पे जा रहे हैं, लेकिन एक चीज हमेशा दिमाग में बैठा के रखिएगा, आसमान में आप कितना भी उड़ लीजिए, वहां रुकने का जगह नहीं होता है। इसलिए जब आप बुलंदी पे चढ़ रहे होते हैं ना, तो जिन लोगों को पीछे छोड़े हैं उनसे रिलेशन अच्छा रखिएगा, क्योंकि लौटते टाइम उन्हीं से मुलाकात होगी। आजकल देखते हैं लोग थोड़ी सी बुलंदी पाके अपना संस्कार भूल जाते हैं, तो ये सारी चीजों को जरूर रखिएगा। दुनिया का सबसे अमीर इंसान वही है जिसके बगल में बैठे गरीब को एहसास ना हो कि वो गरीब इंसान है। तो कभी भी अपने अंदर अहंकार लेके नहीं आइएगा। एक बार हाथ ने अपने पैर से पूछा, हाथ पैर से पूछा, यार सब लोग तुम्ही को पैर छू के प्रणाम करते हैं, हमें क्यों नहीं? तो पैर ने कहा कि इज्जत पाने के लिए जमीन पर रहना पड़ता है, हवा में उड़ोगे तो कोई इज्जत नहीं देगा तुम। आजकल ये जनरेशन से एक शिकायत रह रही है कि वो लोग ये चीजों को भूलते जा रहे हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा, आप गांव से आए हैं पढ़ने के लिए शहर में, तो उस गांव की उन पगडंडियों को मत भूलिएगा जिन पर आपने चलना सीखा था। तो वो संस्कार हमेशा बना के रखिएगा, चाहे लड़का हो या लड़की। कल को ये ना हो कि कल को कोई ये कहे कि पढ़ लिख लिए हैं तो अपनी जमीर भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि शतरंज का वजीर और जिंदगी का जमीर अगर मर गया तो खेल खत्म हो जाती है। तो पढ़ाई के साथ साथ आप सारी चीजों को लेकर रखिएगा। सीमेंट को देखिए, जब रिश्ते जोड़ने होते हैं तो बड़ा नरम होता है, लेकिन जब रिश्तों को सजो के रखना होता है तो सीमेंट से सीखिए सख्त होना पड़ता है। तो ये सब जीवन के भी चीजें हैं जो आपको धीरे धीरे सीखने को मिलेंगी। ये स्टूडेंट लाइफ आपका ये एक कलम की तरह, जैसे कलम की स्याही होती है, खत्म तो होगी, जिंदगी भी एक कलम की तरह है। इससे पहले कि इसकी स्याही खत्म हो, एक कहानी लिख दीजिए जो आने वाली पीढ़ियां उसको पढ़कर जाए यहां पर। और हर उस घर में मिठाई भेजिएगा जिस घर से आवाज आई थी कि यह कुछ नहीं कर सकता है, हर उस घर में जाएगी आवाज। लेकिन कभी भी संस्कार मत भूलिएगा, संस्कार कभी नहीं भूलना चाहिए इंसान को, अपना जमीर कभी नहीं भूलना चाहिए। तो हालांकि आप देखिएगा कि विगत सालों में एजुकेशन, भारत एक समय था जब शिक्षा का गढ़ माना जाता था, और खास करके बिहार को, यहाँ नालंदा की धरती है, यहाँ विदेश से लोग पढ़ने आया करते थे। लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं आई हमारे सामने जो हम उस धरोहरों को छोड़ गए। आज लोग गर्व करते हैं कि हम बिहारी हैं, तो आप किस चीज पर गर्व कर रहे हैं? हमारे पूर्वजों पर, उन्होंने वो करके गए हैं जिस पर हम लोग गर्व से कहते हैं कि हमारे यहाँ आर्यभट्ट अशोक जैसे लोग थे, हमारे यहाँ राजेंद्र प्रसाद जैसे राष्ट्रपति मिले। लेकिन जो बीत गया वो हमारे दिमाग में है,
लेकिन आने वाला कल हमारे हाथ में, हम उसे बदल सकते हैं। बीते हुए कल को सजो के रखना है, लेकिन आने वाले कल को बना के रखना है। और ये शिक्षा ही एक ऐसे रास्ता होता है जहां से आप चीजों को बदल सकते हैं। शिक्षा एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो जिंदगी भर आपको रिटर्न देगा, इसका रिटर्न कभी खत्म नहीं हो सकता है। शिक्षा आज के समय एक ऐसा हथियार है जिससे आप जग जीत सकते हैं, इसलिए इस हथियार को फुल लोड करके रखिए। हमेशा जरूरत आएगा यहाँ पर, आज नहीं तो कल आपको इसका जरूरत आने वाला है। और समाज में जब आप यहाँ से बढ़ के सक्सेस होके जाएंगे, यहाँ से आप एक अच्छे डॉक्टर बन के निकलिए, जीवन में सक्सेस होइए वहां पे। अब लड़की यहाँ पे हम आने से पहले मैनेजमेंट से एक बात जरूर पूछें कि आपके यहाँ मेडिकल में लड़के और लड़कियों का रेशियो क्या है? ऐसा तो जैसे हम लोग पढ़ते थे ना, तो उसमें हम लोग जब पढ़ते थे ना तो क्लास में 98% लड़के रहते थे, 2% लड़कियां रहती थी। लेकिन यहां आने के बाद पता चला कि नहीं, 50-60% गर्ल्स हैं, मतलब आधा आधा ऐसा रेशियो यहां पर। यह बहुत बड़ी बात है यहां पर। और मेडिकल, क्योंकि आप लोग मेडिकल में कम आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। लड़कियों से मैं एक बात जरूर कर, उन लोगों से जरूर ये बात कहिएगा जो लड़कियों की शिक्षा का विरोध करते हैं कि महिलाएं क्या करेंगी पढ़कर, उन लोगों से जरा एक बार प्रेम से पूछिएगा, ऐसे लोगों से जरा एक बार सवाल कीजिएगा जो कहते हैं लड़कियां पढ़ के क्या करेंगी। उन लोगों को जब उनकी पत्नी का ऑपरेशन हो, जब डिलीवरी हो, तो उन लोगों को कोई अधिकार नहीं है फीमेल डॉक्टर खोलने का। जब आपने पढ़ने नहीं दिया तो जाइए वहां, आप अपना अधिकार पहचानिए कि आपके अंदर ताकत है। तो आप लोग उन लोग उस समाज के ऊपर एक जो महिलाओं को रहा था, उसके लिए आप एक मुंह तोड़ जवाब है, लेकिन यह जिम्मेदारी भी आपकी बढ़ती है। अगर कोई लड़की को गार्जियन पढ़ने के लिए भेज रहे तो आप समाज को समझिए। गार्जियन चार बहाना बनाएगा कि पढ़ने के क्या होगा, लेकिन आप एक समझिए ना, अपने पिताजी को, लड़कियों से कहते हैं, आपके पिताजी आपको जब यहां पढ़ने के लिए भेजे होंगे ना, समाज से लड़ के भेजे होंगे, तो आप लड़कियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि पिता की पगड़ी को ऊपर उठा के लेके जाना है, ऐसा ले जाना है कि समाज के चौराहे पे खड़ा हो तो पिताजी को लगे कि नहीं, हमने समाज से लड़ के भेजा था तो मेरी बेटियों ने ऐसा काम किया। कभी ऐसा काम नहीं कीजिएगा कि सर पिता का सर नीचे झुके, क्योंकि बड़ा संघर्ष करके पिता भेजे होंगे। और अगर आप खाली हाथ लौटिएगा या सफल नहीं होइएगा, तो आपकी एक गलती आने वाली उन 100 लड़कियों का रास्ता रोक देगा जो आज गांव में लड़ रही हैं कि हमें पढ़ने दिया जाए। ये हाल है हमारे यहाँ, 21वीं सदी में लड़कियों को कहना पड़ता है कि हमें पढ़ना है। तो आप लड़कियां उनके लिए रोल मॉडल बनिए यहाँ पर, ताकि उनको देख कर समाज में बहुत सारे लोग आगे बढ़े। हम लोग यहाँ लड़की थी, लोग पढ़ने नहीं पढ़ने दे रहे थे उसको। आप गांव में इस फीलिंग को समझिएगा, आप लोग जो गांव के लड़के होंगे, ज्यादातर लोग तो गांव के ही लड़के होंगे, तो उनके अंदर ये वो उसको पढ़ने ही नहीं देते थे। हद तब हो गया जब कह रही कि सर मेरे घर फैमिली में विरोध करते हैं, बाहर वालों से तो हम लड़ लेंगे, फैमिली वालों से कहां लड़ पाएंगे। और आई थी पढ़ने, लगभग 1-1.5 साल क्लास की वहां पे, उसके बाद उसको लग गया कि सर अब हमारा जब मतलब गार्जियन लड़कियों को ज्यादा देर पढ़ने नहीं देता है। लेकिन उसको हम समझाएं कि देखो बाबू, एक बार तुम सफल लगा के गांव में गलत थी, ना तो सबसे पहले वही बोले जो विरोध कर रहे थे, हमको लगा था कि तुम सक्सेस हो। तो ऐसे लोग सबसे पहले कहेंगे लोग यहाँ, और इन लोगों से एक बार दोबारा पूछेगा क्या बोले हैं, नहीं सुना है हमको। ये वही लोग हैं जो विरोध करते रहते हैं। तो उन लोगों के ऊपर, उन लोगों को भी दिखाना है, समाज को भी रास्ता दिखाना है। और एजुकेशन आज के समय में कोरोना के बाद से एजुकेशन बहुत मस्त हो गया। कोरोना से पहले हम लोग क्या थे, वहां भी पहुंच पाते थे। बाद में जब लॉकडाउन लगा, हम लोग को मजबूरी में मतलब डिजिटलाइजेशन करना पड़ा। आज पूरी इंडिया तक के लड़के आज पढ़ते हैं। आज के समय में अगर आप फील कीजिएगा ना, कोरोना के बाद तो जो एजुकेशन की डिमांड है वो इतना तेजी से बढ़ी है कि आज हर इंसान अब शिक्षा के महत्व को समझ रहा है। और आप अगर सफल हो जाइएगा तो अपने अगल बगल में कुछ ऐसे लोग होंगे जो सक्षम नहीं होंगे पढ़ने में, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो सक्षम नहीं होंगे अगर पढ़ने में, तो उन लोगों को भी आप अपनी जेब से, आप कामना आपके साथ, आप
आपसे 10 लोगों का 10 लोग जुड़े हैं तो ऊपर वाला आपको ज्यादा कष्ट नहीं डालेगा, क्योंकि पता है उसको कि अरे भैया ये तो जंक्शन पॉइंट है, इसको अगर कष्ट में देंगे तो इससे 10 लोग जुड़े हैं वो लोग कष्ट में चले जाएंगे आप। और सिंगल सिंगल अपने से रहिएगा तो ऊपर वाला को लगेगा ये सिंगल वाला इसको थोड़ा सा कष्ट देते हैं, बहुत दिन हो गया इसको कष्ट दिए हुए। बहुत सारे लोगों को भी जोड़ के रखिएगा इसमें, ये बहुत काम आता है। स्टूडेंट लाइफ में कुछ गलतियां होती हैं, जो बहुत सारे लड़कों का एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि स्टूडेंट में कोई लड़का पढ़ने में तेज होता है या पढ़ने में खराब होता है। हम पर्सनली फील किए हैं जो लड़के पढ़ने में अच्छे होते हैं वो ज्यादा समय देते हैं पढ़ाई को, और जो कमजोर होते हैं वो समय नहीं देते हैं। दुनिया का हर चीज आपको मिलेगा अगर आप उसको समय दिए हैं तब। बहाना मत बनाइएगा कि हम पढ़ने में तेज हैं या पढ़ने में कमजोर है। गुच्छे की आखिरी चाबी भी कई बार ताला खोल देती है, तो जब जागिए तब से सवेरा हो जाएगा, मेहनत करना चाहिए। और ये तो बिहार की धरती है, यहां से एक से एक निकले हैं लोग, छीनी हथौड़ी से पहाड़ तोड़ने वाले निकले हैं यहां से, इस धरती से यहां पर। लेकिन अब जरूरत है आने वाले कल को, आने वाले कल में आप लोग ही वाले समय में हम भी ये चाहेंगे कि कभी अगली बार कभी हम जब यहां आए तो एग्जांपल दें। मेरा एक स्टूडेंट था, वो एक बार उससे मिलने गए थे तो हमको बड़ा खुशी हुआ, हम सोचे कि इसको आके ऐसे ही जाते हैं इसके ऑफिस में। तो उसके ऑफिस में जो अब जैसे आप लोग में से जैसे बड़े पोस्ट में चले जाते हैं तो वहां पे ना उसका जो गार्ड था बाहर रोक दिया हमको, अभी बैठे रहिए थोड़ा सा। हम ऐसे कोरोना के टाइम था तो थोड़ा मास्क वगैरह भी लगाए, फिर उसको कॉल किए कि आने वाले थे आज यहाँ पे, तो कहे सर आए नहीं, तो हम कहे बाहर बैठे हुए हैं ऑफिस के, तो वह गार्ड रोक दिए हैं लोग यहाँ पे। तो वो खुशी होती है अपने स्टूडेंट को कामयाब होता देखकर, ये आप नहीं फील कर सकते। आपके कामयाबी से आपके माँ बाप और आपके शिक्षक जो खुश होंगे वो आप नहीं फील कर सकते, क्योंकि जब आने वाले समय में आप लोग माँ बाप बनेंगे तब समझ में आएगा। आप बताइए आप सफल हो जाएंगे, माँ बाप को क्या चाहिए? पिताजी की उम्र 2 साल बढ़ जाएगी आपकी कामयाबी को देखकर। लेकिन कभी ये मत कहिएगा कि खाली हाथ लौटना है यहाँ पर। इतना सब गार्जियन जब अगर सेक्रीफाई कर रहा है तो आप लोग का भी कर्तव्य बनता है कि आप उनको लौटाएं समाज में। समझ में आ रहा है कि नहीं? बाकी आप लोग तो भाई मेहनत करते रहिए, वहां पे जो संस्था से बन सकता है संस्था आप लोग को जरूर प्रोवाइड कराती है। और इतना इस एरिया में आके शुरुआत में तो ये सब एरिया जो थे सब कभी यूनिवर्सिटी से बनने से पहले हमें लगता है कि जब सर ने इसको उद्घाटन किया होगा या जब इसका नींव रखा होगा तो हमको लगता है कि सर को सबसे पहले बोले हो गए हम लोग कि यहाँ इस एरिया में ऐसा ये सक्सेस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो हमें लगता है कि यहाँ आने के बाद वो लोग अब आठ भी मिला पाते होंगे कि नहीं, क्योंकि शुरुआत में जब होता है तो सब लोग टांग खींचने वाले ज्यादा मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद जो डिसिप्लिन रहा, जो आप लोग का डेडिकेशन रहा, इस चीज को सजो के रखिएगा ताकि आने वाले इससे और नए लोग भी सीखें और आप लोग को देखकर बाकी लोगों के अंदर भी पढ़ाई की प्रेरणा जाए। Anybody has any question? किसी तरह बात करनी है, 5 मिनट सर के पास समय है। You want some? माइक दे दीजिए उनको। मैं राज राजेश्वर, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। आज आपने मोटिवेशन स्पीच दिया, उसमें एक बहुत बड़ी युक्ति, जिस तरह से शतरंज के गेम में वजीर का महत्व है, हम कल्चर भूल, मोटिवेशनल स्पीच के साथ साथ आप क्या
अपने बारे में या अपने उस चीज को सुलझाएंगे जिससे कि इस आम जनता को, नए आने वाले जनरेशंस को ये चीज कभी ना भूलें, वैसा आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यंग जनरेशन के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है ना कि हमारे भारत की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वो एक बहुत महान कल्चर है, इसको सजो के रखना आप सबकी जिम्मेदारी है। तो इसमें यंग जनरेशन को खुद से इनिशिएट लेने की जरूरत है कि आप भारत जैसे महान कल्चर को, कहा भी है यूनान मिस्र रोमा सब लूट गए जहां से, लेकिन मगर है बाकी नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो उस संस्कृति धरोहर को अगर छोड़ के आप वेस्टर्न कल्चर को करेंगे तो एक अपने आप पड़ेगा दूसरों के लिए। तो ये यूथ के लिए एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इतने सक्सेस होइए कि यूएस और वेस्टर्न कल्चर लोग आप लोग को देख के फॉलो करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन इसमें एक बार जानकारी देना चाहता हूं कि बीइंग ए फैकल्टी, हमारे इस विश्वविद्यालय में जितने सारे कोर्सेज हैं उसमें कॉमनली देखा जाए 70% ह्यूमन एथिक्स को पाठ्यक्रम में डाला गया है, और मैं पूरे यूनिवर्सिटी के गुजारिश करूंगा कि ये जो मॉरल साइंसेज की जो बातें आपने कही वो चीज इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए ताकि हम अपने वजूद, अपने संस्कार, अपने भारतीय संस्कृति को पहचाने, या वो मेडिकल साइंसेज की कोर्सेज हो, या वो हमारे फार्मेसिस की कोर्सेज हो, या वो कोई भी स्ट्रीम के कोर्सेज हो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी धन्यवाद। यहाँ के टीचर्स और यहाँ के मैनेजमेंट और आपके एमडी सर, इन लोग का एक्सपीरियंस भी बहुत काम आएगा, क्योंकि आप बड़े बुजुर्ग से उनके जीवन के अनुभव को सीखा कीजिए, क्योंकि कुछ चीजें खाली पेट और खाली जेब सिखाती हैं जो यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जा सकती है। तो उनका जीवन का अनुभव आपको बहुत काम आएगा। एनीवन सर, मेरा क्वेश्चन आपसे यही आएगा, पर आपका लगता है बहुत ज्यादा घूम जाता है। ये हर यंग जनरेशन की समस्या है। देखिए माइंड जो है ना, माइंड बाढ़ का पानी होता है, कभी कभी बाढ़ का पानी ऐसा लगता है किसी गांव में अब घुस जाएगा कि तब चलाएगा, तो उस समय जो तटबंध होता है ना उसको बहुत मजबूत बनाया जाता है। एक बार अगर बाढ़ का पानी जगह बना लिया तो अब आप उसे नहीं रोक सकते। तो माइंड भी उसी तरह है, इसकी रफ्तार को कोई नहीं रोक सकता है। अगर ये माइंड बना लिया है कि अब इसको मन कर रहा है कि थोड़ा सा फिल्म देखे, तो आप उसी समय उसको रोकिए एकदम तत्काल कि ना भाई ना यहाँ पे। और अगर छोड़ दिए कि पढ़ते पढ़ते अगर मोबाइल का नोटिफिकेशन आ गया, अब सोचे कि पहले देख लें, तब आप अपने माइंड को खुद बहका रहे हैं, एकदम स्ट्रांग रहिए। और टाइम टेबल अब तो आपकी उम्र नहीं रहा टाइम टेबल बनाने का। हम लोग अपने समय में 250 टाइम टेबल बनाए थे, कभी जीवन में फॉलो नहीं हुआ वो टाइम टेबल, और डेली चिपका देते थे कहीं कहीं यहां में। तो बचपन का ही सब टाइम टेबल कभी काम नहीं आता है। एक ऐसा टाइम टेबल बनाइए जो दिल पे छप जाए यहाँ पे, कि जब तक कामयाब नहीं होंगे इस टाइम टेबल को नहीं हटाएंगे यहाँ पर। तो टाइम टेबल वैसे होते, जुनून होना चाहिए यहाँ पर। अभी हम आए थे तो बता रहे थे लोग कि चेयरमैन सर आते हैं अभी के टाइम पे भी और छोटी सी छोटी चीजों को देखते हैं। तो आपके यूनिवर्सिटी के चेयरमैन साहब को टाइम टेबल थोड़ी पता होगा, उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है इस उम्र में भी कि हमको इसको सजोना है, यहाँ पे इतना बनाना है कि विश्व पटल पर यह यूनिवर्सिटी अपना पहचान बना सके। तो कामयाब होने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है, पागल समझ आ गया कि ना गया आपको। तो जुनून लाइए अपने आप में और हमेशा डिसाइड रखिए। टाइम टेबल का जमाना गया, अब ये डिसाइड कीजिए कि इस टाइम पे, जैसे मान के चलिए आपके लिए शाम को 4 से 10 का समय आप निकाल लिए, 4 से 8 निकाल लिए, इस समय आपको केवल अपने प्राइम काम पर फोकस करना है। लेट्स आप स्टूडेंट है तो आपने अगर आपने कह दिया कि शाम 4 से
रात के 9 बजे तक, उस समय तक आपको डिस्ट्रैक्शन का कुछ चीज आपके पास नहीं रहना चाहिए। अगर मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज में उसको साइड कर दीजिए। उस दौरान कुछ भी हो जाए, कुछ भी आपको नहीं हटना है। और एक दो बार अगर आप करिएगा धीरे धीरे, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस वो आपकी हैबिट हो जाती है, और हैबिट ही आपको आगे जाके आपका रास्ता बदल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एनीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर प्रणाम। प्रणाम। मैं डॉक्टर मयंक राय, मेरा पठन पाठन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुआ है और वर्तमान में मैं वाणिज्य संकाय में सहायक आचार्य हूँ। और बटवृक्ष की छाया हमारे बिहार पूरी तरह से पड़ चुकी है। हमारे चेयरमैन सर भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपना शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए हैं। सर मेरा प्रश्न है कि भारत के विकास में जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, रीजनल लैंग्वेज है, इसकी क्या हो सकती है, क्योंकि आज भी हिंदी माध्यम और अंग्रेजी को लेकर काफी उहापोह मचा रहता है। तो सर थोड़ा इस पे आप अगर कुछ बताएंगे तो हमारे हिंदी माध्यम वाले छात्रों को भी काफी ऊर्जा मिलेगी, काफी सब उत्सुक हैं वो भी सुनने के लिए। शिक्षक है तो आपका सवाल भी गंभीर होगा, लाजमी था। आपने बड़ा जायज सवाल उठाया कि रीजनल लैंग्वेज या जैसे हिंदी का क्या महत्व है। तो एक तो हम आपको बता दें कि मेरे जीवन का सबसे अच्छा डिसीजन था, बैठ जी, मेरे जीवन का सबसे अच्छा डिसीजन था कि हम इंग्लिश मीडियम छोड़ दें। आज हम कहते हैं यहां से हमें आज भी अपने क्लास 5 के इंग्लिश के सोशल स्टडीज के क्वेश्चन आंसर याद है, मतलब कुछ कुछ, सब तो नहीं याद हो सकते, एक आध क्वेश्चन जो ये बताता है कि हम कितने शिद्दत से उसको रटे थे, पता ही नहीं था पढ़ क्या रहे हैं हम यहाँ पे। तो इस पढ़ाई का क्या कर लेंगे जो हमको एक तो सर्टिफिकेट देगा, क्योंकि एक कागज के सर्टिफिकेट के भरोसे तो हम इस दुनिया में आए नहीं थे, आए थे तो खाली हाथ पे। तो कभी ये नहीं होना चाहिए कि भाषा बाधा बननी चाहिए। तो रीजनल लैंग्वेज को हम लोग ने जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि अक्सर देखते हैं जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, वो हिंदी भोजपुरी ये सबसे कम। हम आज भी भोजपुरी बोल देते हैं, अमंच से बोल देते हैं। शुरुआत में जब लॉकडाउन लगा था तो हमको ऑनलाइन पढ़ाना पड़ा, तो ऑनलाइन जो पढ़ाने वाले लोग थे दिल्ली वाले, वो लोग सूट बूट वाले, वो लोग कहने लगे कि भाषा थोड़ी हिंदी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। हम कहे देख बबुआ, हम लोग थे बिहारी लोग, भोजपुरी का बोझे ना करी, अजय भोजपुरी बोलने लास्ट होकर जीवन में कभी ओकरा दिल से भोजपुरी ना निकली, जो लोग बोली आराम से तो भोजपुरी बोली। तो भाषा कभी बाधा नहीं बनती है, लेकिन होता क्या है कि लोग अपने आप को जो थोड़ा सा ऊपर उठ जाते हैं ना, तो अपने आप को दिखाने के लिए ना 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 हम अंग्रेजी वाले बोलते हैं, हम अभी भी जहां मंच पे जाते हैं हमसे सवाल भी अंग्रेजी में पूछा जाता है तो हम भी उसका जवाब भी हिंदी देते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम अंग्रेजी नहीं बोल सकते, हिंदी में ही देते हैं। और दूसरा बात होता है शिक्षक का, तो शिक्षक का जो कर्तव्य होता है वो पढ़ाने से कहीं ज्यादा समझाने पर होना चाहिए। पढ़ने के लिए तो खुद से पढ़ सकता है, दोस्त भी पढ़ा सकता है, तो ये चीज समझना चाहिए कि शिक्षक का कर्तव्य है उसको समझाने में। अगर कोई लड़का क्लास में नहीं आया है और उसके बाद फेल हो जाता है तो उस लड़के की गलती है, क्लास में बैठ के फेल हो गया तो उसकी गलती है, टीचर की, ये उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी हमारे हिसाब से। तो जिस तरह कोई लड़का फेल होता है तो उस लड़के से सवाल पूछा जाता है, तो एक बार टीचर से भी सवाल होना चाहिए, क्या किए थे आपको, एक साल दिया गया। तो दोनों ओर से होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा आईपीएल वगैरह भोजपुरी भाषा, देखिए भोजपुरी भाषा बहुत मीठी भाषा है, थोड़ा इधर के समय में जो भोजपुरी में थोड़ी सी फिल्मों या संगीत में जो भोजपुरी को डिरेल किया जा रहा है, बस अगर उसको छोड़ देंगे तो भोजपुरी में तो कोई दिक्कत नहीं है। हम तो अभी भी इम्तिहान से कहते हैं भोजपुरी बोलते हैं हम। हेलो बाबू सर, सवाल ये है कि बीइंग मेडिको और मेडिकल स्टूडेंट, हम लोग अगर यूपीएससी से आईएएस और आईपीएस बनना चाहते हैं तो उससे हमारा क्या फायदा और हमें ये क्यों करना चाहिए। और उसी में दूसरा सवाल ये है कि आपने एक लेआउट बताया था आपके खुद के कोचिंग इंस्टीट्यूशन का जो कि यूपीएससी कराने वाला है, उसके बारे में कुछ डिटेल बताइए सर इस स्टेज से। थैंक यू। चलिए आप सीरियस है पढ़ने में, अच्छी बात है। देखिए प्रोफेसर अपने आप में बहुत बड़ा प्रोफेशन है, क्योंकि इसके
उस समय लगता है कि यही भगवान है। तो देखिए आप लोग यहां तक पहुंचे हैं ये इस बात का संकेत है कि आप पढ़ने में अच्छे रहे होंगे। तो जो लड़के बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं वो जो ये पहले से पता चलता है कि ये पढ़ने में एकेडमिक रूप से अच्छे रहे हैं। जब ये लड़के यूपीएससी के लिए तैयारी करने जाते हैं या फिर किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी करने जाते हैं तो एवरेज लड़कों से थोड़ा इनका स्टैंडर्ड ऊपर होता है जिसका बेनिफिट आप लोग को मिलता है। इस जो ये माहौल मिल रहा है आपको इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो पढ़ने का जो माहौल दिया गया है जो एक डिसिप्लिन दिया गया है ये आपके स्टूडेंट के वहां पर काम आएगा। और यूपीएससी में क्या है कि यूपीएससी आज के समय में और टफ होते जा रहा है क्योंकि पहले जिसकी फीस यूपीएससी की 2-2.5 लाख हुआ करती थी अब हमने उसकी फीस की है 7,500। तो इतना तो दिमाग में बैठा के रखिएगा कि कंपटीशन और होगा क्योंकि वो लड़के अब पहले क्या था कोचिंग वगैरह नहीं कर पाते थे अब वो भी करेंगे। और रही बात यूपीएससी की किसी भी एग्जाम की स्टूडेंट के लिए एक हम सबसे पहले बोलते हैं कि आप ज्यादा ओवर थिंकिंग छोड़िए। अगर आपको तैरना है तो आप सिलेबस देखिएगा तैरने का एंगल देखिएगा कितना एंगल पर तैरेंगे मेटा केंद्र देखिएगा तैरने के लिए क्या चाहिए आर्किमिडीज का थ्योरी पढ़िएगा। आपको पानी में उतरना पड़ेगा थ्योरी रहे चाहे नहीं रहे समझाना। उसी तरह यूपीएससी हो या आपका मेडिकल हो ये प्लानिंग लर्निंग से नहीं होगा इसमें उतरना पड़ेगा ठोकर खाइएगा ठोकर खा खा के सीखिएगा। और बहुत मुश्किल है उस शख्स को गिराना जिसे चलना ठोकरों ने सिखाया हो। तो लग जाइए आज से ही अपने लक्ष्य की ओर और धीरे धीरे निरंतरता सीखते जाएंगे। एक समय आएगा जब आपको खुद से क्या होगा अनुभव होगा कि आप कुछ गलत कर रहे थे हो सकता है कि आप एक बार फेल हो। अगली बार से घबराना नहीं है क्योंकि कोई विद्यार्थी अगर एक बार फेल होता है तो जब वो दोबारा शुरू करता है उसे शुरुआत से नहीं बल्कि अनुभव के साथ शुरुआत करनी होती है। तो घबराइएगा नहीं मेरी बेस्ट विशेष है आपके साथ आने वाले समय में हम आपको देखें एक अधिकारी बनते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून आई एम सिद्धार्थ फ्रॉम वेस्ट बंगाल। सर आपसे क्वेश्चन था केवन आचन सर भले अच्छी सर। सर आपसे क्वेश्चन था आप बताए कि फोन टेक अब एक डिस्ट्रैक्शन है हम लोगों के लिए बट जैसे आज का वर्ल्ड जैसे एडवांस कर रहा है फ्यूचर के लिए टेक्नोलॉजी अगर हम लोग साइड करके रख दें और सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दें तो फ्यूचर में चांस है कि हम लोग बैकवर्ड हो जाएंगे क्योंकि जो अभी रिसेंट एडवांसमेंट्स हुआ है जैसे एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सच तो हम लोगों को थोड़ा इन्वॉल्व होना चाहिए इन टेक्नोलॉजी। देखिए हमने नहीं कहा कि फोन गलत है फोन का जो मिसयूज करते हैं इधर उधर खाना पीना खाए कि नहीं खाए सब खाया होगा खाना पूछने से कोई आप भूखे नहीं रह रहा है सब खा लिया है आपको बिना मतलब दे ली तो मिसयूज नहीं करना है फोन का। फोन तो बहुत जरूरी चीज है यहां पे। देखिए पानी में गिरने से किसी की मौत नहीं होती है मरता वही है जिसे तैरने नहीं आता है। तो पानी का दोष नहीं है आप तैरना नहीं जानते दोष इसका है। तो मोबाइल का दोष नहीं है आप मिसयूज कर रहे हैं ये उसका दोष है आप उसका यूज कीजिए आगे बढ़ जाइए यहां पे बहुत अच्छा चीज है। आप मोबाइल में को दोष दे रहे हैं जी ठीक है मिसयूज नहीं होना चाहिए उसका नोटिफिकेशन वगैरह सब साइलेंट किया कीजिए ताकि दिक्कत ना हो। हम आपकी समस्याओं को समझ सकते हैं क्योंकि ना पहले क्या था ना एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में अगर जनरेशन गैप बहुत ज्यादा हो जाता है ना 30-40 साल का अंतर हो जाता है तो थोड़ा सा ना वो माइंडसेट को मैच करने में दिक्कत आती है लेकिन हमको ये दिक्कत नहीं आती है। आप जिस रास्ते से गुजर रहे हैं हम उसके ट्रैफिक पुलिस रहे हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा दुनिया की हर उस चीज को साइड कर दीजिएगा अपने रास्ते से जो आपको सफलता में बाधा देती है क्योंकि आने वाले वक्त में लोग आपकी खैरियत नहीं आपकी हैसियत पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिस साइड सर। जय हिंद सर। जय हिंद। कैसे मिला सर? एकदम बढ़िया बनी सर। कंसंट्रेशन को ज्यादा टाइम तक रिटेन करके नहीं रख पाते हैं तो सर उसके लिए कुछ कंसंट्रेशन को रिटेन करने के लिए आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए।
आप फिल्म देखिएगा तो आपका कंसंट्रेशन होगा, क्योंकि इंटरेस्ट है आपका, और इंटरेस्ट पढ़ाई में तभी आएगा जब पढ़ाई को आप समझेंगे, और पढ़ाई समझ में तभी आएगा जब टीचर पढ़ाने से ज्यादा समझाने पर ध्यान देंगे। तो ये लिंक है, अगर आपको मजा आने लगा पढ़ने में तो कंसंट्रेशन मतलब कौन जी, खाना पीना छोड़ देंगे बाद में खाते हो, पढ़ने में मजा आई तो अभी हमारा समझ आ गया कि ना। तो बस इंटरेस्ट जगाइए। और ये देखिए, किसी जो इंसान सपोज की कोई सिगरेट नहीं पीता है, सपोज कीजिए जो नहीं पीता, बहुत सारे लोग पीते हैं जो नहीं पीते हैं, उसको अगर आप सिगरेट दीजिएगा पीने के लिए फेंक देगा, कर दो ये कौन सी है। लेकिन अगर उसको एक बार दो बार तीन बार लत लग गया तो वो छुप के पिएगा। ये पढ़ाई में भी होता है, शुरुआत में पढ़ेंगे तो बोझिल लगेगा, अरे ये क्या है ये क्या है, एक बार जो समझ में आ गया और इसका लत लग गया तो ये ऐसा नशा है जीवन भर ना छूटने वाला है। क्लास नाइन्थ में आने के बाद, क्लास नाइन्थ में आने के बाद हम बटा पे का जोड़ सीखे थे, 3/2 प्लस 5/2, हम ऊपरा वाला को ऊपरा जोड़ देते थे, नीचे वाले को नीचवा जोड़ देते थे, बाद में पता चला सुझरा इसमें एलसीएम उलसीएम कुछ लिया जाता है, तो हमको समझ में आया तो हम अपने दोस्तों से पढ़े। हमको पढ़ाई में टीचर्स 30% हेल्प किए थे, स्टूडेंट जो थे 70% किए थे। दिक्कत ये था कि टीचर्स का नॉलेज बहुत ज्यादा था और उस हम उस लेवल पे थे ही नहीं, लेकिन जो दोस्तों थे सब वो गढ़ा में हम गढ़ा में मैच कर गया यहां पर। तो अब अच्छा, आज के में अब टीचर्स भी बहुत डेडिकेटेड रहते हैं, लेकिन आपको भी समझना पड़ेगा एक टीचर की समस्या, क्योंकि हम स्टूडेंट में हमारी जितनी समस्याएं थी हमें वो भी याद है, और अभी टीचिंग में हम जो फील कर रहे हैं वो भी समस्या। टीचिंग में सबसे समस्या जानते हैं क्या, एक टीचर की समस्या समझिए, टीचर के दिल का दर्द बता रहे हैं। उसके क्लास में एक ऐसा स्टूडेंट भी पढ़ा है बैठा रहता है जो पढ़ने में बहुत अच्छा है, थोड़ा सा इशारा भी निकल जाएगा, गधों ऐसा रहता है सब जिसको 10 बार समझाना पड़ता है, ओकरा समझिला के चक्कर में तेज वाला माथा पीटेगा, का बता रहे हैं, और तेजवा को देखेंगे तो कहते कौन सी पढ़ाई तू मास्टर हो। अरे आप जरा सोचिए ना उसको, तो जो तेज विद्यार्थी है आप टीचर को कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि टीचर की जिम्मेदारी केवल आपको पढ़ाना नहीं है, और जो कमजोर विद्यार्थी आप घर पे थोड़ा पढ़ाई पे समय दीजिए, क्योंकि टीचर आपके लिए नहीं रुकता है ना, प्यासा को कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआं कब तक आएगा आपके लिए, नहीं ना आ सकता आपके लिए, तो थोड़ा आप भी समझिए, 2 कदम हम तो 2 कदम आप चलिए। थैंक यू खान सर, आपके हमारे टेस्ट में 4 चांद लगे, और अब हम खान सर को फेलिसिटेट करेंगे। धन्यवाद, खुशी हुई इस बात को लेकर, और चेयरमैन सब को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसे क्षेत्र में भी इतनी बेहतरीन व्यवस्था को दिया इन्होंने, और आप लोगों से भी एक हम एक जिम्मेदारी के साथ यहाँ से विदा लेते हैं कि आने वाले समय में आप इतनी बुलंदियों पे जाएं कि आपको देखकर हम लोग को महसूस हो। धन्यवाद। एवरीवन प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, सरदार जी प्लीज। Around the atmosphere, even from the person sitting very next to you. The entire university and story of its origin and progress is itself an example of patience and optimism. Even this fest would not have been possible without the immense support of our chairman, sir. Our next guest has built, sustained, and nurtured this university
as the fastest growing university of Bihar. So let's welcome on the stage the founder and chairman of GNSU, Shri Gopal Narayan Singh, sir. सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी सीट पर बैठे रहें. कुछ मैसेज है और हमारे चेयरमैन सर का मैसेज आप सभी लोगों के लिए. तो आप अपना समय 10 मिनट और दें, अभी बैठें, अपनी सीट पर रहें. आदरणीय कुलपति महेंद्र सिंह जी, उपकुलपति जगदीश बाबू, शिक्षकगण और बच्चों, मैं भी सुनने के लिए आया था कि एक बहुत बड़े मॉडर्न एजुकेशनिस्ट को आप लोगों ने बुलाया, तो उनकी सोच क्या है, शिक्षा देने के तौर तरीके क्या हैं, उनसे कल कुछ मैं जानूं, और अगर कमी बेसी हो तो उसमें सुधार करूं. शिक्षा हर एक अगला स्टेप उठा जाए तो कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है. अब मैं कुछ जानना चाहता हूं अपने इस ऑर्गेनाइजर को कि किसी गेस्ट को बुलाते हैं तो नाश्ता पानी करने के बाद स्टेज पर आने के बाद पहले उसका स्वागत किया जाता है. सीधे मंच पर बैठा के उसको बोलने के लिए ही आमंत्रित नहीं किया जाता है. ये भी एक शिक्षा का पार्ट है कि हम किसी भी वीआईपी को बुलाते हैं तो उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए, कैसे उसको सम्मान देना चाहिए और उसका आदर कैसे करना चाहिए. शिक्षण संस्थान में हर एक छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान देना चाहिए. दूसरी चीज है कि किसी को, किसी मुख्य वक्ता को कैसे स्वागत करना चाहिए, दर्शक को. ठीक चल रहा है, दर्शक जो होते हैं वो कैसे उनका स्वागत करेंगे और जो बोल रहा है उसके मैटर को कैसे ग्रहण करेंगे, इसको भी शिक्षा का पार्ट माना जाता है. अब जैसे अभी हम देख सुन रहे थे कि खान जो बोल रहे थे तो क्या बोल रहे थे उसके गंभीरता पर हम लोग सोच नहीं रहे थे. हम लोग सिर्फ हो हल्ला कर रहे थे. इसका मतलब है कि आपके दिमाग में कुछ गया ही नहीं जो आया. क्योंकि आपको बता दूं कि जब कोई चीज सामने हम सुनते हैं और जब हम बोलते हैं तो उसके बीच में 22 प्रक्रियाएं हो जाती हैं, माने वैज्ञानिक रूप से 22 प्रक्रियाएं होती हैं जब हम किसी को देखते हैं और उससे बोलते हैं, सुनते हैं फिर बोलते हैं, तो इसके बीच में 22 प्रक्रियाएं शरीर में हो जाती हैं माने वैज्ञानिक रूप से. और आप सुनते हैं और तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, इसका मतलब वो प्रक्रिया आपके अंदर गए ही नहीं. मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है. और शिक्षण संस्थान में हर एक अगले स्टेप पर आप एक लड़का कैसा स्टेप लेता है उससे ही पता चलता है कि वो कितना शिक्षित है, क्या शिक्षा ग्रहण कर रहा है. इसलिए हम लोगों को गंभीरता से इसको सोचना चाहिए. मैं कोशिश करता हूं कि धीरे धीरे इस संस्थान में इस तरह की बातें आने लगे. सबसे एक अच्छी चीज जरूर हमको लगा अब की बार मेडिकल कॉलेज के लड़कों में कि सिर्फ पढ़ाई तक ही नहीं अपने को सीमित रखे हैं. एक 25% का पार्ट होता है खेल कूद, इंटरेक्शन, आपस में बात विचार करना, दूसरे यूनिवर्सिटी के, दूसरे कॉलेज के लोगों को लाना. कम से कम बिहार में पहली बार हमको देखने के है कि हमारे मेडिकल कॉलेज के लड़के
इतना विस्तृत सोच रखते हैं और आदान प्रदान की प्रक्रिया शुरू की, इसलिए उन व्यवस्थापकों को धन्यवाद दूंगा। और इसको मैं चाहूंगा कि एक साल नहीं, इसको और आगे बढ़ाया जाए, हर एक साल एक टाइम फॉर्म फिक्स करके और सिस्टम तैयार कर दें कि हर एक साल लोगों को हम बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश सभी मेडिकल कॉलेज के लड़कों को बुला के इंटरेक्शन करें, उनसे आदान प्रदान करें, ये भी एक शिक्षा का पार्ट होता है। क्योंकि ये सब चीज जो देख रहे हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं और ये जो इतना व्यवस्थाएं हम धीरे धीरे कर रहे हैं, इसीलिए कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छी वातावरण मिले शिक्षा ग्रहण करने। अब जैसे आप सभी बाहर के 8-9-10 मेडिकल कॉलेज के लोगों को बुलाए तो आपके खुद खेल कूद के लिए जितनी भी वातावरण चाहिए, आपको फील्ड चाहिए, उन सब के लिए धीरे धीरे आप तो अनाउंस कर दिया, लेकिन उसको कैसे सुंदर बनाया जाए हमारी जिम्मेदारी हो गई। इसे रात दिन करके आपके लिए जो भी हो सकता है, फिर अगले बार आप बढ़ाएगा किसी और बेटर व्यवस्था देंगे, ताकि हम चिंतित हैं कि हमारे लड़के निकले तो पूर्ण संपूर्ण रूप से विकसित होकर निकले। सिर्फ एक टेक्निकल एजुकेशन नहीं, एक डॉक्टर ही नहीं बने, एक मनुष्य बने, एक शिक्षित व्यक्ति बन गए। और शिक्षित व्यक्ति बन के निकलने के लिए हर एक डेब कहाँ कब कैसे उठाया जाता है, इस पर सोचना पड़ता है। और मेडिकल के लड़कों के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि आईएएस अफसर अलग हो सकता है, इंजीनियर अलग हो सकता है, समाज से कट के एक ऑफिस में कंप्यूटर लेकर बैठ के पढ़ सकता है, लेकिन मेडिकल के निकले हुए लड़के को सर्वसाधारण के पास बैठना पड़ता है, साधारण व्यक्तियों को इलाज करना पड़ता है। उनका मृदुभाषी होना जरूरी है, उनको गंभीर होना जरूरी है, पेशेंट को कैसे डील करना उसको सीखना जरूरी है। इसलिए सभी जितने भी एजुकेशन के गुण हैं, मनुष्य के विकसित करने के जितने गुण हैं, सबको समाहित होना पड़ता है मेडिकल कॉलेज के मेडिकल छात्रों को और नर्सों में, कि जब तक ये गुण उनमें नहीं आएंगे तब तक अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, और अच्छा डॉक्टर नहीं बन गए तो समाज की सेवा नहीं कर पाएंगे। आजकल के आर्थिक युग में अर्थतंत्र का महत्व ज्यादा है। हमारे संस्कार संस्कृति में अर्थतंत्र का ज्यादा महत्व नहीं रहा है। हमारे ऋषि महर्षियों को देख लीजिए, जंगल में रहते थे, गेरुआ वस्त्र पहन के रहते थे, लेकिन उनका जो शिक्षा प्रभाव था, बड़े बड़े राजा महाराजा उनके सामने नतमस्तक होते थे। एक घटना बताऊं आपको, प्लेटो 2500 वर्ष पहले बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ है पॉलिटिकल साइंस में, उसका नाम अग्रणी माना जाता है, वो सिटी स्टेट्स के बारे में बात करता था। उसके चेला थे अरिस्टोटल, अरस्तु जिसको कहते हैं, जब हिंदुस्तान आ रहे थे उसके सिकंदर के साथ, तो उन्होंने अरस्तु से कहा था कि सिकंदर से कहना वहां से 5 ऋषियों को हमारे पास लेते आएंगे, उनसे हमको कुछ सीखना है, जो नंग धड़ंग जंगल में रहते थे वो इतने ज्ञानी थे कि उनसे सिकंदर के गुरु प्लेटो, उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि उनको बुला उनसे सीखना है। अभी बात टेक्नोलॉजी के लड़के भी प्रश्न किए थे, एक चीज बताओ कि हमसे सुपीरियर, भारत की जो सुपीरियर टेक्नोलॉजी पहले था उससे बेटर आज तक दुनिया पहुंच पाई है? छोटा उदाहरण दे रहा हूं कि हम लोग पहले 500, 700, 800 साल पहले ही पश्चिमी देश जान पाए कि दुनिया गोल है, और हमारे यहाँ सूरज के प्रभाव को, कि सूरज के इर्द गिर्द घूमता है, ये
दूसरी चीज है कि हमारे जो ग्रह हमारे पास नहीं था, हमारे पास ये नहीं थे जो आजकल स्पेस में बताया जाता है। उसके बावजूद भी सभी ग्रहों का नक्षत्र, चाल, चलन, संगठन, उनका कलर तक हमारे ऋषि महर्षियों ने पहले बता दिया था। उस टेक्नोलॉजी के बारे में कभी सोचते हो? क्योंकि इतना हाई टेक्नोलॉजी था, आज दुनिया उस पर रिसर्च कर रही है। हम अपने को हीन भावना से ग्रसित होकर उसको हम नहीं करके, हम इधर जो नया टेक्नोलॉजी आ गया है, कंप्यूटर वगैरह, चिप्स वगैरह, इस पर ज्यादा जाते हैं। बात हमेशा लड़कियों पर आती है तो लड़के हंसते हैं। आपको शायद जानकारी नहीं है कि वेदों के रचने में 56% औरतों का हाथ है। वेद के उनके हस्बैंड जो होते थे, रिसर्च करते थे, और उनके द्वारा ही वेदों को ऋषाओं में बदल के संस्कृत भाषा में लिखने की अपना, अगर वो नहीं रहती तो आज वेद हमारे सामने नहीं आता। अब इस टेक्नोलॉजी के बारे में हमको पढ़ाया नहीं जाता। कि हम लोगों को अपने को पहला शिक्षा का ग्रहण करने की जिम्मेदारी होती, अपने को कभी भी किसी से हीन भावना से ग्रसित नहीं होना चाहिए। देश में क्या हो रहा है उससे हमको चिंतित नहीं होना चाहिए। हमारे क्या है उसको अध्ययन करना चाहिए। हमारे पास जो रहे हैं, हमारे जो पूर्वज रहे हैं, अब देखिए दो तीन चीजें प्रमाणित हो गई हैं जो जानना जरूरी। इसके पहले हम लोग बैठते थे तो ये सब चीज बात भी करते थे, लेकिन एक बात जिसको आपने शिक्षाविद कहा उसको बुलाया, अपने ऑनर की अच्छी चीजें, कुछ न कुछ ज्ञान मिलता ही है। लेकिन हमारे यहाँ जो परंपराएं हैं उसमें हमेशा एक दूसरे की आदत करने की शुरुआत होती है। जब हम किसी को आदर नहीं देंगे तो हमको आदर देगा नहीं। शिक्षा ग्रहण करने की पहली कड़ी होती है। और आप देख रहे होंगे कि हम लोग घरेलू बात कर रहे हैं कि साल दो सालों से एक अच्छे रास्ता पर व्यवस्था कैसे संस्कृत इन विश्वविद्यालय में लाया जाए, कितना कड़ा रुख अपनाना पड़ता है। लड़के अपने ढंग से शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, संस्था और व्यवस्था के ढंग से नहीं चाहते हैं। जो लड़का सीखने आता है वो अपने ढंग से शिक्षा लेना चाहता है, जो कि उसको ज्ञान ही नहीं कि आगे हमको क्या लेना है। वो अपने ढंग से चाहता है शिक्षण संस्था को चलाना है, जो खुद शिक्षार्थी है। ये क्या उचित है क्या? ये जरूर है। मैं अभी धन्यवाद लोगों को, जो मेरी सोच थी कि सर्वांगीण विकास में इस संस्था में शुरू कर उसकी शुरुआत लड़कों ने किया है कि खेल वगैरह अरेंज करने के बाद मेरी पहले शिक्षा थी। और धीरे धीरे हम आप देख रहे होंगे जैसे साधन था लड़कों को हम उस तरह के साधन मुहैया कराते चले जा रहे हैं। प्ले ग्राउंड बनाना, फुटबॉल ग्राउंड बनाना, जिसे हमारे साधन जितने जा रही उसे करते चले जा रहे हैं। अब इसका लाभ तो आपको उठाना है। लाभ उठाने में अभी जैसे मैंने बताया, ठीक है, खान की अपना एक रेपेशन है, अच्छा है, अपने ढंग से बेचारा कर रहा है, जब 10,000 के लाइन पर हैं, यहाँ अपने रिस्पेक्ट देने के लिए उसको इज्जत दिए, अच्छा हुआ, अच्छी बढ़िया। लेकिन तरीका गलत हुआ। आप लाए नाश्ता किए, 10-20 लड़के उसके बल को लाए, सीधे मंच पर बैठा, उसको मंच पर बैठाया तो स्वागत करना चाहिए, शॉल देना चाहिए, फूल देना चाहिए, उसके बाद तब उसको इन्वाइट करना चाहिए। क्या हो, क्या मैं गलत कर रहा हूं क्या?
ये पहली कड़ी है शिक्षा की, किसको कब कहाँ कैसे सम्मान दें, क्योंकि मुझका शरीर है। भीड़ में आप आते हैं, कोई गेस्ट आता है तो भीड़ में पीछे पीछे जा के पीछे अपना फोटो उसके पीछे खींचना, ये शिक्षण संस्था की चीज नहीं है। आपको मैंने पहले दो बार इशारा किया था कि हमारे यहां तक्षशिला का नाम था, विक्रमशिला हुआ, नालंदा हुआ। आपको नहीं शायद नहीं मालूम है कि जब लड़के वहां शिक्षार्थी आते थे तो गेट पर जो दरवान रहता था वहीं से उसकी शिक्षा इंटरव्यू शुरू हो जाता था, किस तरह का लड़का है, क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, और वहां गुरुकुल को वो रिपोर्ट करता था किस लड़के का करैक्टर ये है। आज तो हम साल दो साल यहां रहते हैं, साथ रहते हैं, उसके बावजूद भी हम आपको समझ नहीं पाते कि आप क्या चाहते हैं। आपने सिस्टम ही फॉलो करने की कोशिश किया, क्योंकि संस्था चलता है मारपीट से नहीं, किताब पढ़ने से नहीं। एक व्यक्ति को संपूर्ण विकसित होने के लिए संस्कार, संस्कृति, शिक्षा, मान सम्मान, आदर, ये सब जुड़ता है, तब एक परफेक्ट आदमी बनता है। और उस लाइन पर हम ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं आपके सहयोग से, और आपके सहयोग अपेक्षाकृत ठीक है, इम्प्रूव कर रहा है धीरे धीरे, तो ये स्लो स्पीड है। और मेरे दिमाग में एक चीज और है जो ये सब कर रहे हैं, इसका कारण यही है, एक चीज है कि हमारे लड़के जब पढ़ के यहां से जाएं तो सर उठा के जाएं हम फलाना संस्था से आए हैं। प्राइवेट संस्थाओं का नाम बड़ा विचित्र होता है, जानते हैं, उससे हम निकल के अपने लड़कों का स्वाभिमान देना चाहते हैं कि हम बिहार देश में जाएं तो कहें कि हम नारायण मेडिकल कॉलेज से आए हैं, और भगवान के मर्जी से और आप लोगों के मेहनत से, शिक्षकों के सहयोग से नारायण मेडिकल कॉलेज का अपना मेडिकल साइंस में धीरे धीरे अपना स्थान बनते जा रहा है। आपके बिहार में, जहाँ तक मैं समझ पाए, हो सकता है गलती आप करेक्ट करेंगे, अभी PMCH IMS के लगभग तो आप पहुँच ही गए हैं, पढ़ाई में आप उनसे बेटर हैं, पढ़ाई में आप उनसे बेटर है, क्योंकि आप पढ़ाई के लिए कोई केयर नहीं करता, हम लोग पढ़ाई के लिए केयर कर रहे हैं। इसलिए हमारे लड़के जो अभी आपने तीन चार दिन मेहनत करके जो खेलकूद में आपने भाग लिया, आपने अरेंज किया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मैं अपने को गर्वान्वित महसूस करता हूं कि हमारे लड़के सिर्फ पढ़ाई को ही नहीं, इन सब चीजों को भी अपने साथ समेट रहे हैं, जो उनके चरित्र को विकसित करने में 25% शेयर होता है खेल कूद वातावरण का, वो इसको भी अपने में ग्रहण कर रहे हैं। और धीरे धीरे बदलाव धीरे धीरे होता है, बहुत हड़बड़ाहट नहीं होता है, क्योंकि जल्दी जल्दी खाने से अपच हो जाता है। बिगड़े हुए परिस्थिति से हमको आगे चलना है, और मैं चाहता हूँ, मेरा आग्रह भी है और सुझाव भी है कि यहाँ से निकलने के बाद पढ़ाई लिखाई आपकी पूरी होती है तो दूसरे जगह जाने पर आप उदाहरण बने कि नारायण मेडिकल कॉलेज के निकले हुए लड़के सर्वगुण संपन्न है, सिर्फ डॉक्टर ही नहीं है, संस्कारित हैं, शिक्षित हैं, दूसरे को सम्मान देना जानते हैं, पेशेंट को ट्रीट करना जानते हैं, मृदुभाषी हैं। ये सब चीज़ें जब आप में आएंगी तो लक्ष्मी तो आती हैं, लक्ष्मी से शिक्षा नहीं आता है, शिक्षा से लक्ष्मी आती है। दूसरी चीज यह है कि एक चीज और अब दिमाग रखें, जो मैं चाहता हूं, मैंने जो अपने संस्कार संस्कृति में देखा है, जिस संस्था
परिवार में लड़कियों का औरतों का सम्मान नहीं होता है, वो घर घर नहीं होता है, क्योंकि एक बच्चे को जन्म देने से लेकर और उसकी आयु संज्ञान होने तक पूरी की पूरी संस्कार संस्कृति लड़कियां ही देती हैं, लड़के नहीं देते। मार्क कीजिएगा, कंसीव करने से लेके और बच्चे को शिक्षित करके स्कूल जाने तक संज्ञान करने में आपका पुरुषों का कोई सहयोग नहीं होता है, सिर्फ साधन जुटा के घर में दे दें। और 10 साल का पीरियड जो है औरतें भोगती हैं, उसको हल्के में हम लेते हैं। बच्चे को संस्कारित करने हम नहीं करते हैं, संस्कारित वो करती है, ज्ञान वो देती है, प्रारंभिक ज्ञान वो देती है, चलना वो सिखाती है, उस समाज से परिचय वो कराती है, शिक्षा से परिचय वो कराती है, हम नहीं कराते हैं। और उसको हम लोग हल्के में लेते हैं। भारतवर्ष का ये संस्कार नहीं है। आप देखिए, हमारे संस्कार में, हमारे धर्म संस्कृति में किसकी ज्यादा पूजा होती है? नवरात्र रखते हैं आप, 9 देवियों को पूजा होती है, जो सभी देवियों का अलग अलग एक रूप है। 9 देवियां हैं, उनका एक अलग अलग रूप है, अलग देवी का महत्व है, और वो हमारी सब ऊर्जा के स्रोत है। गांव में जाइएगा तो 9 देवी काली की पूजा होती है, आदि शक्ति में मां की पूजा होती है। हम कहां हैं जो हम खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं? अरे कम से कम सम्मान नहीं दे सकते तो मजाक तो मत उड़ाइए, बहुत बड़ी चीज है। और ये धारणा सबसे पहले समाज को डॉक्टर ही दे सकता है। कारण है कि एक व्यक्ति अपने परिवार को ले जाता है डॉक्टर के सामने, अगर हमारे पति को या बेटी को छू दे तो तहलका मच जाता है। लेकिन डॉक्टर के पास भेजते तो हम निश्चिंत रहते हैं, डॉक्टर जैसे चाहे इलाज करे, इतनी महत्व है आपकी, इतना विश्वास समाज को आपके ऊपर है। उस विश्वास को भी आप ही को कायम रखना है। इसे डॉक्टर सिर्फ पेशा से नहीं, प्रोफेशन से नहीं, समाज में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित जगह भी है, समाज उन पर विश्वास करता है, इसलिए उनको धैर्य से संपूर्ण रूप से शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। IAS अगर हो जाता है तो कहने में बड़ा लगता है, लेकिन एक बंद कमरे में रहता है, दुनिया से उसको कोई मतलब नहीं। इसलिए उसको हर एक पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी नहीं होता है, इसलिए IAS जो होता है बुद्धिजीवी नहीं होता है, IPS बुद्धिजीवी नहीं होता है, क्योंकि एक लकीर के फल के नियम के अनुसार चलते हैं। लेकिन आप बुद्धिजीवी में हैं कि आप समाज, विद्या, संस्कार, संस्कृति सब लेके बैठे हुए हैं और सोचते हैं कि इसको क्या इलाज करना है, इसलिए आपका स्तर उन लोगों से भी बेटर है। इसलिए आपने नई परंपरा शुरू की है, मैं उसका स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं, और मैं आयोजकों से आग्रह करूंगा। अभी मैंने VC साहब वगैरह हम लोग गए थे क्रिकेट देखने, तो लड़कों से हमने बात किया कि भाई अगले महीने तू लोग अक्टूबर नवंबर में तय करो, ताकि एक महीना ठंडे में बढ़िया सो सके, तब तक हम लोग भी और कुछ कमियाँ हैं उसकी व्यवस्था करेंगे। उस समय मैंने कहा था दिसंबर जनवरी, तो VC साहब ने कहा कि नहीं नहीं उस समय मत की, लड़कों के इम्तहान चलता, तो इतनी सोच लोगों में है कि कब क्या करना चाहिए। इसी इन्हीं शब्दों के साथ सभी आयोजकों को और आपने
दो तीन चीज़ और अच्छा किया है कि बबीता फोगाट को बुलाए कि देश में उसने एक नया दिशा दिया है। पहले हमारे यहाँ औरतों को पहलवान नहीं माना जाता था और उसने प्रमाणित किया, पहली औरत है जो पहलवानी में गोल्ड मेडल लगी, दोनों बहन। मैं कदर करता हूँ, उसके पिता से मिला भी हूँ, अभी तो हमारे पार्टी में आ गए, बिहार के लिए चुनाव भी लड़ी थी। पिता ने बच्चा नहीं होने से उनकी मार रो रही थी, बेटा नहीं था, उसने इन लोगों को समाज के सामने बेटा बना के दिखाया और बेटा से ज़्यादा काम करके दिखाया। बिहार देश में महिला, पहली महिला दोनों बहने हैं जो गोल्ड मेडल लेके कॉमनवेल्थ में आई है। इसलिए इन सब चीज़ों पर विचार करके हमें चलना चाहिए। हमारे संस्था में भी बदलाव हो रहे हैं, बच्चों में सोच बदल रही है, इसका मैं स्वागत करता हूं और आगे चाहूँगा कि थोड़ा स्पीड ज़्यादा हो, स्लो है, थोड़ा स्पीड ज़्यादा हो। इन्हीं शब्दों के साथ सबको धन्यवाद देते हुए शिक्षकों का प्रणाम करते हैं, बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी और मेटामॉर्फोसिस की टीम की तरफ से आपका धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। इसी तरह से आपके सुविचार हमारा आगे भविष्य में भी मार्गदर्शन करते रहें।